उदयपुर जिले की कई पंचायतें आदर्श ग्राम पंचायतें बन रही हैं, जो अपने कार्यों व स्वच्छता के बलबूते अपना नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन गिरवा की कई पंचायतें ऐसी भी हैं जो स्वच्छ तो हैं लेकिन कार्यालय में स्वच्छता नहीं दिखती हैं। बात करें डाकन कोटरा कार्यालय के बाहर की, तो यहाँ रखी शराब की बोतलें पंचायत की साख पर सवालिया निशान खड़ा करती है। जहां पूरे क्षेत्र में लेक सिटी न्यूज़ की टीम को घूमने पर स्वच्छता दिखाई दी, वहीं पंचायत भवन के बाहर शराब की बोतलें पंचायत की शोभा बढ़ा रही है। आखिरकार यहां रखी शराब की बोतलों को हटाया क्यों नहीं गया? क्या शराब समाजकंटकों द्वारा हाल ही में उपयोग लेकर वहीं छोड़ दी गई? इस संबंध में जब सरपंच से बात करनी चाहिए तो वह 2 घंटे से बात कहकर दोबारा कॉल नहीं करते हैं। वहीं मौजूद एक व्यक्ति जो कि सचिव सीट पर बैठे थे, जब उनसे जानकारी चाही गई तो वह अपने आप को सरपंच का रिश्तेदार बता रहे थे और सचिव की सीट पर बैठे व्यक्ति ने यह तक कहा कि सरपंच तो यहाँ आते नहीं हैं, सारा काम मैं ही देखता हूँ। अब आप ही सोचिए, जो व्यक्ति सचिव होकर अपने आप को सरपंच का रिश्तेदार बता दे व पंचायत भवन में जानकारी चाहने वालों को भ्रमित कर दे, यह कहाँ तक उचित है? पंचायत भवन में शराब की बोतलों का पड़ा होना, सचिव का सचिव पद पर बैठे होना वह आम जनता को सरपंच का रिश्तेदार बता देना सरकारी कर्मचारी का कहां तक यह उचित है? आप लोग राय जरूर दें इस मामले पर।